कोरोना की वजह से लोग अभी पागल भी हो रहे हैं, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोरोना अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन कर रहा है, जैसे बुखार आना, खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ, दमे का अटैक, या टेस्ट बड्स जो है वो खराब होना, मतलब टेस्ट नहीं लगना, या आंखें आना, या मुंह में लाली पूरी आ जाना, ऐसे अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन कोरोना का हो रहा है। कोरोना के डर के वजह से कि कोरोना होगा उसके वजह से लोगों को एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक वो आ रहे हैं। इसके अलावा एक पागलपन का दौरा भी आ रहा है। जैसा कल की बात है, एक लेडी को हमारे हॉस्पिटल में लाया सुबह सुबह 7 बजे। इतनी वायलेंट थी, इतनी वायलेंट कि आजू बाजू के लोग सब मिला के 8-10 लोग भी आ रहे थे और उनको पकड़ रहे थे, वो पकड़ में नहीं आ रही थी, भाग रही थी, उसको पकड़ के रखा था, बांध रखा था उसको। मतलब हुआ क्या, रात भर तो अच्छी सुई, कल दिन भर अच्छी थी, सुबह सुबह 7 बजे इतनी वायलेंट कैसे क्या हो गई पता नहीं। तो नेचुरली उसको तपास लिया, टेस्ट कर लिया, तो कुछ ऑब्वियसली कुछ दिख नहीं रहा है उसको। हमने फिर पहले इंजेक्शन दिया, मतलब पहले उसको शांत कर लो, तो इंजेक्शन हेलोपेरिडॉल लोरेजीपाम कॉम्बिनेशन दे दिया उसको। उसको बुखार ऐसा लग रहा था कि है नहीं है ऐसा, मतलब डाउटफुल था बुखार है कि नहीं। SpO2 लेवल नॉर्मल थी, फेब्रिल मतलब फीवर नहीं था, ठीक है। तो मैंने तो भी उसको शायद हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो गया होगा, अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो IV फ्लूड लगा दिया और बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए सब भेज दिया। शाम तक भी वो क्वाइट नहीं हो रही थी, काफ़ी देर के बाद में भी क्वाइट नहीं हो रही शाम को। मतलब काफ़ी सारे इंजेक्शन दिए क्वाइट करने के, नींद के, खाना नहीं, पीना नहीं, और वायलेंट ही उसको पकड़ के रखना पड़ता था, बांध के रखना पड़ता था, भाग रही थी। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, एक दिन अभी जाने दो, बाकी कोई लक्षण नहीं दिख रहे। तो फिर आज उसका हमने कोविड टेस्ट किया, तो हमको बताया कि कोविड करने की क्या जरूरत है, टेस्ट क्या है। तो कोविड किया तो कोविड टेस्ट उसका पॉजिटिव निकल गया, रैट रैपिड एंटीजन टेस्ट। मतलब कोरोना का अभी प्रेजेंटेशन वायलेंस या वायलेंट बिहेवियर, ये अभी पहली बार देखने को, इतना वायलेंट, बाकी तो एकदम अच्छी थी अभी तक। मतलब प्रेजेंटेशन ही COVID-19 का एज ए एक्साइटेड पर्सन, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, अग्रेशन, ऐसा हो गया। अभी आज तो काफ़ी ठीक है, उसको हाइड्रेशन किया है, फिर उसको एंटीबायोटिक्स दिए, उसको एंटी एलर्जिक दिए, तो अभी ठीक है, बाकी तो कोई ऐसे लक्षण नहीं थे। मगर कहने का मतलब यह है कि अभी कोरोना कैसा प्रेजेंटेशन करेगा हमको पता ही नहीं, मतलब किस तरह से होगा। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो ये ख्याल में रखते हुए डॉक्टर लोगों ने भी देखना चाहिए, पेशेंट लोगों ने भी देखना चाहिए कि भाई है क्या, मतलब क्योंकि रिलेटिव रेजिस्ट कर रहे थे। हमने बोला नहीं, अगर ऐसा करो COVID-19 टेस्ट कर लो, तो COVID-19 टेस्ट कर लो, रिलेटिव एकदम रेजिस्ट करते हैं, नहीं फिर ऐसा करो हमको छुट्टी कर दो हॉस्पिटल से। जैसे हमने बोला COVID-19 की टेस्ट कर लो तो छुट्टी कर लो, हम जाते, लोगों को टेस्ट नहीं करना है, हमने बोला नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करो उससे फ़ायदा होगा, देखेंगे क्या निकलता है। तो वो फ़ायदा हो गया, मतलब कम से कम डायग्नोस तो हो गया कि वो वायलेंस जो है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ एक दिन ऐसा लग रहा था कि मामूली सा बुखार है करके, एक दिन पहले ऐसा कुछ खास प्रेजेंटेशन बाकी कोई कोविड का नहीं था। तो ये ख्याल में रिलेटिव्स ने रखना चाहिए, लोगों ने रखना चाहिए, और वह हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।